नॉर्वे में बाल कल्याण समिति के संरक्षण में रह रहे दोनों भारतीय बच्चे अभिज्ञान और ऐश्वर्या आज स्वदेश लौट गए और नॉर्वे की एक अदालत ने इन दो बच्चों का संरक्षण उनके चाचा को सौंप दिया है। और इसके साथ ही महीनों से चला आ रहा यह बहुचर्चित विवाद समाप्त हो गया है और अभी तक इन बच्चों को सरकार के आदेश पर बाल कल्याण समिति में रखा गया था। नॉर्वे सरकार का आरोप है कि बच्चों के माता पिता नॉर्वे के कानून के अनुसार लालन पालन नहीं कर रहे थे। बच्चों को छोड़ने के लिए भारत सरकार ने नॉर्वे को धन्यवाद दिया है। तो चाचा के साथ नॉर्वे से लौट आए हैं बच्चे और अभिज्ञान ऐश्वर्या जिनको कई दिनों तक रखा गया है, मां बाप से दूर रखा गया है और नॉर्वे सरकार ने यह आरोप लगाया था कि मां बाप ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और इसलिए उन दोनों बच्चों को अलग रखा गया था। फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था पिछले साल से और लगातार के बच्चों को दूर रखा गया है, बार बार कोशिशें की जा रही थी, मीडिया की एक अहम भूमिका इसमें नजर आई है और मीडिया ने भी बार बार इस बात को उठाया है कि आखिर क्यों नहीं बच्चे सौंपे जा रहे हैं। सरकार हरकत में आई है, कई अधिकारियों ने बातचीत की है, कई रास्ते निकालने की कोशिश की गई है और आखिरकार आज वो शुभ दिन आ गया कि बच्चे भारत लौट आए हैं। और ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाचा के साथ ही दोनों बच्चे अभिज्ञान और ऐश्वर्या ये दोनों वापस आ गए हैं और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं। कई दिनों के बाद आज ये बच्चे अपने परिवार वालों से मिले हैं और आखिरकार फैसला नॉर्वे सरकार ने कर दिया और भारत सरकार ने धन्यवाद दिया है इसका, क्योंकि कोशिश बहुत थी। माँ बाप बार बार रो रो कर ये बात कह रहे थे कि आखिर क्यों उनके बच्चों को उनके दूर रखा जा रहा है। हम बार ख्याल इतना ज्यादा रखते हैं जैसे बच्चों का रखा जाता है, लेकिन नॉर्वे सरकार का ये कहना कि बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया है, उनको निग्लेक्ट किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, जो भी उनके अपने तथ्य थे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर है क्योंकि बच्चे भारत लौट आए हैं अपने चाचा के साथ। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और नॉर्वे सरकार के कब्जे में थे काफी दिनों से ये दोनों बच्चे और दोनों बच्चे अब वापस लौट आए हैं। काफी भीड़ है वहां पर क्योंकि ये इतना बड़ा विवाद हो चुका था और भारत सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई थी, जिसमें उनको जब ये मालूम चला कि बच्चे माँ बाप से दूर हो गए हैं और नॉर्वे सरकार ने ये कदम उठाया है और इतना कड़ा कदम ये उठाया है कि माँ बाप अब रो रो कर ये कह रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपनी बात को रखा है कि हमसे बच्चे क्यों आकर दूर किए जा रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, बार बार जाकर अपनी बात कह रहे हैं। तमाम जो भी वहां पर चीजें चल रही थी वो उन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि भारत सरकार ने पहल की, बातचीत का कोई जरिया निकाला और एक मीडिया की भी अहम भूमिका यहां पर नजर आई। इस विवाद को लगातार इस पूरे मामले पर बने रहे और इस कहते रहे कि आखिर क्यों मां बाप से दूर रखा गया है बच्चों को। तो आखिर आज वो दिन आ गया कि ये बच्चे अपने घर वालों से मिल गए हैं और इन बच्चों को उनके चाचा के हवाले कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें, अभी अभी ये दोनों बच्चे पहुंचे हैं अपने परिवार वालों के साथ।